स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत बगैर पहचान साबित किए नहीं दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन की खुराक, QR कोड होगा जारी। जी हां, तो किस प्रकार से वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार नए साल से शुरू करेगी ये बड़ी सुविधा, मिलेगा ये फायदा। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, 2 साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, जानिए कैसे वसूली करेगी सरकार। इसी के साथ दोस्तों, बड़ी खबर, केंद्र की हॉट स्पॉट योजना से मिलेगी 2 करोड़ लोगों को नौकरियां, जानिए पीएम वाणी के बारे में सब कुछ। और साथ ही दोस्तों, खतरनाक हुआ भारतीय वायुसेना का राफेल जेट, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकर को भी कर देगा तबाह। जी हां, तो किस प्रकार की मिसाइलों से लैस किया गया है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी देसी घी खाने के शौकीन हैं तो शायद ये खबर जानकर आप भी घी खाना छोड़ देंगे, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बेके करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बगैर पहचान साबित किए नहीं दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन की खुराक, QR कोड होगा जारी। जी दोस्तों, गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण तैयारियों के बाद अब सरकार ने एक सर्टिफिकेट भी तैयार किया है जिसे टीका लेने वाले हर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट QR कोड से लेस होगा जिस पर टीका लगने वाले व्यक्ति की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारी सुरक्षित होगी। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट पर टीका लेने वाले का फोटो अनिवार्य है और बगैर पहचान साबित किए बिना टीका नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट में टीका लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर एक संदेश भी होगा जिसमें यह लिखा होगा कि उसे किस दिन और कहां पर टीका लगा है और उसे अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर सर्टिफिकेट पर टीके का बैच नंबर भी लिखा होगा। एक व्यक्ति को कम से कम 2 और अधिकतम 3 खुराक दी जा सकती है। हर खुराक का बैच नंबर, वैक्सीनेटर प्लेस और डेट, यह सभी सर्टिफिकेट पर लिखना अनिवार्य होगा और QR कोड से उसकी पहचान हो सकेगी। यह पूरी तरह से डिजिटलाइज सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें व्यक्ति अपने फोन पर ही डाउनलोड कर सकता है, साथ ही उसकी जन्म तिथि और वर्तमान पता भी इसमें जरूर होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार नए साल से शुरू करेगी ये बड़ी सुविधा, मिलेगा बड़ा फायदा। जी दोस्तों, यदि आप भी पेंशनर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार नए साल में लाखों पेंशनर हेतु एक नई सुविधा प्रदान करने जा रही है। भारत सरकार 26 जनवरी से 10 राज्यों में पेंशनर हेतु हेल्पलाइन सेवा प्रदान करने जा रही है। यदि ये योजना कामयाब रही तो उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। प्राप्त सूचना की माने तो 26 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार आगामी एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है जो पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करेगी। यह एक तरह की हेल्पलाइन सेवा है जिसके तहत वृद्धों को एक फोन पर सारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने इस सेवा हेतु एक टोल फ्री नंबर का चुनाव किया है जो 1-4-5-6-7 है। इस नंबर का उपयोग अभी तेलंगाना सरकार इस्तेमाल कर रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, 2 साल में खत्म हो जाएंगी टोल प्लाजा, जानिए कैसे होगी वसूली। जी दोस्तों, देश भर में वाहनों को स्वतंत्र आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त बना दिया जाएगा। इसके तहत सरकार ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 2 सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से ही काटा जाएगा। SOCHM फाउंडेशन वी कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि रूस सरकार की मदद से हम जल्दी GPS सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर देंगे जिसके बाद 2 सालों में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा। बता दें, इस समय देश में सभी कमर्शियल वाहन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। वहीं सरकार अभी पुराने वाहनों में भी GPS सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाने के लिए तेजी से काम करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, केंद्र की हॉट स्पॉट योजना से मिलेगी 2 करोड़ लोगों को नौकरियां, जानिए पीएम वाणी योजना के बारे में सब कुछ। जी दोस्तों, देश में वाईफाई क्रांति के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वाणी योजना को बीते दिनों मंजूरी दी थी।
इस योजना के लागू होने के बाद आम आदमी को इंटरनेट के लिए किसी बड़ी कंपनी के प्लान की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं वाईफाई क्रांति से देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी तेज स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा। आपको बता दें, सरकार इस योजना में 3 स्तर पर काम करेगी, जिसमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर भी शामिल होंगे। इस योजना के जरिए देश भर के पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट खोले जाएंगे, जहां 220 रुपए का कूपन लेकर आप इंटरनेट चला सकेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा गया होगा जैसा महामारी के बाद आएगा, वित्त मंत्री का दावा। जी दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वादा किया कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा, क्योंकि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, अनुसंधान और विकास में निवेश तथा टेलीमेडिसिन के लिए व्यापक कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही आजीविका संबंधी चुनौतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के नए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सीतारमण ने CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे अपने सुझाव भेजिए ताकि हम एक ऐसा बजट बना सके जैसा इससे पहले कभी नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत के 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा गया होगा जैसा महामारी के बाद आएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। और खतरनाक हुआ भारतीय वायुसेना का राफेल जेट, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकर को कर देगा तबाह। जी दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी IAF साल 2020 में राफेल जैसे फाइटर जेट से लैस हुई है। राफेल को अगर खतरनाक जेट कहा जाता है तो उसकी वजह है उसमें इंस्टॉल हथियार। इन दिनों सेना को पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनौती के बीच ही राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी ने कहा कि वे जेट में इंस्टॉल स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। इस नए अपडेशन के साथ ही राफेल की क्षमता में खतरनाक तरीके से इजाफा हो गया है। अब ये जेट कई हजार किलोमीटर तक दूर दुश्मन के अड्डे को ध्वस्त कर सकेगा। स्कैल्प के अलावा राफेल में इंस्टॉल हैमर मिसाइल ने भी नया टेस्ट पास कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चौंकाने वाला मामला, जानवरों की चर्बी और अपशिष्ट बन रहा था देसी घी, जानिए क्या आया जांच में सामने। जी दोस्तों, आगरा में गद्दे की लीद, नकली रंग, घास और एसिड के जरिए नकली मसाले तैयार किए जाने का मामला अभी हाथरस जिले में सामने आया था, तो वहीं अब आगरा जिले में जानवरों की चर्बी से नकली घी तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने खंडोली कस्बे में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में तैयार देसी घी के साथ ही जानवरों की हड्डियां, पैर और खुर बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस के माने तो फैक्ट्री के अंदर जानवरों की चर्बी को चूल्हे पर पिघलाकर घी बनाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से करीब 125 किलो चर्बी से बना हुआ देसी घी बरामद किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट, जानिए क्या है सरकार की योजना। जी दोस्तों, यदि आप भी उन लोगों में से एक है जो पबजी मोबाइल की भारत में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। पबजी मोबाइल ने भारत में वापसी का भले ही ऐलान कर दिया है, टीजर भी जारी कर दिया है, वही रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अनारकली नाम से हेड गियर भी देखे गए हैं, लेकिन पबजी का इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। सरकार ने पबजी मोबाइल की वापसी को लेकर पहली बार कुछ कहा है। पबजी मोबाइल इंडिया की भारत में वापसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली बार खुलकर बयान दिया है। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि पबजी मोबाइल की भारत में लॉन्चिंग की अनुमति नहीं दी गई है। मंत्रालय ने यह बात 2 अलग अलग RTI आवेदनों के जवाब में कही है। बता दें कि पिछले महीने ही पबजी कॉरपोरेशन ने पबजी मोबाइल को भारत में रीलॉन्च करने की घोषणा की थी। भारत में वापसी को लेकर पबजी ने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ लिया है। इसके अलावा कंपनी ने भारत में $100 मिलियन निवेश करने की भी घोषणा की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 6 करोड़ लोगों के EPF खाते में 31 दिसंबर से पहले आएगा पैसा, EPFO को मिस्ड कॉल देकर पता करें अपना बैलेंस। जी दोस्तों, रिटायरमेंट एंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अपने 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को जल्द खुशखबरी देने वाला है। EPFO अपने अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में 31 दिसंबर से पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एक मुश्त 8.5% ब्याज का भुगतान करने की तैयारी में जुट गया है। इससे पहले सितंबर 2020 में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा था कि न्यासियों की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में यानी 8.15% और 0.35% के रूप में देने का फैसला किया गया है। वहीं बता दें कि UN पोर्टल पर रजिस्टर्ड सदस्य मिस्ड कॉल देकर अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 0112290104 पर मिस्ड कॉल दे। इसके बाद EPFO के संदेश के जरिए EPF की डिटेल भी मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।